वहीं शामली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर के बाद शामली में 40 लाख की लूट का मामला सामने आया। आपको बता दें कि दिन दहाड़े युवक ने बैंक में फिल्मी अंदाज में डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बैंक से 40 लाख लूट कर फरार हुआ बदमाश। डकैती का CCTV भी सामने आया। आपको बता दें कि मामला दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। तो आपको बता दें कि शामली से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सुल्तानपुर के बाद शामली में 40 लाख की लूट हुई है। आपको बता दें कि दिन दहाड़े युवक ने बैंक में फिल्मी अंदाज में डकैती की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि बैंक से 40 लाख लूट कर फरार हुआ था। आपको दिखा दें ये एक्सक्लूसिव वीडियो टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से इस लूट को अंजाम दिया गया है। दिन दहाड़े युवक ने बैंक में फिल्मी अंदाज में इस डकैती को अंजाम दिया। ये CCTV फुटेज आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक्सक्लूसिवली। आपको बता दें कि बैंक में 40 लाख की लूट को अंजाम दिया गया है। डकैती का CCTV वीडियो सामने आया। आपको बता दें कि पुलिस मामले को दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी है। तो शामली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, CCTV फुटेज सामने आया है, 40 लाख की लूट हुई है। एक्सक्लूसिव वीडियो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि शामली से बड़ी खबर, सुल्तानपुर के बाद शामली में 40 लाख की लूट हुई है। आपको बता दें कि दिन दहाड़े युवक ने बैंक में फिल्मी अंदाज में की है डकैती। बैंक में 40 लाख लूट कर फरार हुआ बदमाश। डकैती का CCTV आया सामने। तो आपको बता दें कि शामली में 40 लाख की डकैती लूट का मामला सामने आया। आप देख सकते हैं CCTV में किस तरह से लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। आप एक्सक्लूसिव CCTV फुटेज को देख सकते हैं किस तरह से बैंक में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। आप देख सकते हैं। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे यूपी स्टेटहेड विजय त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। विजय जी, सुल्तानपुर में 40 लाख की लूट का मामला सामने आ रहा है, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? देखिए, अभी तक जो आरोपियों की तलाश जारी है, लेकिन फिलहाल जो एक इस मामले में नया मोड़ तब आया है जब एक्सक्लूसिव एक वीडियो उसी डकैती कांड का वायरल वीडियो है, जिसमें कहा जा रहा है कि वो डकैत किस तरीके से 40 लाख रुपए लूट करके फरार होता दिखाई दे रहा है। और इसके बाद से ही प्रशासन में हड़कंप है कि आखिरकार इनकी तलाश कैसे की जाए। और पुलिस प्रशासन हालांकि जांच में जुटी है, लेकिन फिलहाल इस वीडियो के बाद से ही ये खुलेआम इस तरीके की डकैती और इस तरीके की लूट का जो चित्र सामने दिख रहा है, लोगों को एकदम हतप्रभ कर रहा है कि आखिरकार इस तरीके से इतनी बड़ी लूट हो जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। तो जाहिर सी बात है, चिंता की बात है, लेकिन फिर भी पुलिस अभी अब झुकी हुई है कि आखिरकार इस आरोपी तक पहुंचा जाए और जल्द से जल्द लूट का पर्दाफाश हो। फिलहाल प्रशासन इसी जुगत में है कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी की जाए। विजय जी, वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लुटेरे लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तो क्या पुलिस के हाथ में कोई अहम सबूत लगा है इस CCTV फुटेज के आधार पर? बिल्कुल, अभी ये CCTV फुटेज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक कोई साक्ष्य नहीं था, कोई उसमें कोई ऐसा दिख नहीं रहा था कहीं पर भी, लेकिन CCTV आने के बाद उनकी शक्लें भी हल्की फुल्की दिखाई दे रही हैं और जिस तरह वो भागते दिख रहे हैं वो उनकी दिशा एक तरीके से क्लियर होती दिख रही है कि आखिरकार किस दिशा में वो भाग रहे हैं। उसके आगे के भी कुछ इलाकों के CCTV चेक कर रही है पुलिस, जिस CCTV के बाद से कन्फर्म है कि वो किस दिशा में भागे होंगे, जी पुलिस की जो जांच है उसको दिशा मिल पाएगी। चलिए, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि शामली सुल्तानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। शामली में 40 लाख की लूट को दिन दहाड़े युवक ने अंजाम दिया। आपको बता दें कि फिल्मी अंदाज में इस डकैती को अंजाम दिया गया है। बैंक से 40 लाख लूट कर फरार हुआ है बदमाश। डकैती का CCTV सामने भी आया है।